दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पूछे गए सभी 35 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्ज़ाम 2019 में बैठे हैं 3 मई 2019 को, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र सेट भी है आपका, कोई भी सेट हो उनसे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन को मिला पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित और नामांकन से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित सभी न्यूज़ मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है कि एड्स कैसी बीमारी है। तो देखिए, आपका जो भी सेट हो आपको ढूंढना कैसे है, तो फिर देखिए आपके सेट में किस नंबर में है कि एड्स कैसी बीमारी है। तब तक वीडियो को रोक दीजिए और टिक करते जाइए, या आप ऑप्शन याद रख लेते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, वायरस डिजीज है। अगला क्वेश्चन, मॉस का पौधा सूक्ष्म वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा पानी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो है, साइंटिफिक नेम, वो है होमोसेपियंस। इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। तो देखिए, जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा स्पंज में। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा गेंडा के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि सहेली क्या है। तो सहेली जो है आपको नॉन स्टेरॉयडल गोली और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि नील हरित सेवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा लेग्यूमिनोसी। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरेला किसका उदाहरण है। तो देखिए, क्लोरेला एकल कोशिका प्रोटीन और सेवाल दोनों है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का इस्तेमाल है। तो देखिए, क्या इस्तेमाल है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा बहुदिशीय। क्वेश्चन नंबर 11, डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 47। क्वेश्चन नंबर 12, लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 3, जेड वाई तथा ए। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा अंगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 14, मरुद्विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा नागफनी। क्वेश्चन नंबर 15, अनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा मेंडल। क्वेश्चन नंबर 16, जलधारण क्षमता किसमें अधिकतम किसमें होती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा क्ले में, चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 17, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा मेढक में। क्वेश्चन नंबर 18, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा नट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी डीएनए में कूट जीएसी का प्रतिकूट क्या होगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा सीयूजी। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा नील हरित सेवाल। क्वेश्चन नंबर 21, शुक्राणु किसकी मदद से जीना
जोना पेल्यूसिडा को विभाजित करता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक्रोसोम से स्राव। क्वेश्चन नंबर 22, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा युगलिना को। क्वेश्चन नंबर 23, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 24, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं? इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा वृक्क। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किस पौधे में स्व परागण होता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा द्विलिंगी में। क्वेश्चन नंबर 28, ECORI निम्नांकित में से किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा इसरिसिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो ये आपको हो गया ए ऑप्शन और आंसर हो गया ड्रोसेरा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा बी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 31, कंद किसका उदाहरण है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा तना का। क्वेश्चन नंबर 32, कॉपर टी के कार्य इनमें से किससे बचाना है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 33, टोबैको मोजेक विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ निम्नांकित में से कौन सा है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा आरएनए एक कुंडलिनी। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा हेक्साप्लोइड। क्वेश्चन नंबर 35, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा जीजे मेंडल यानी सी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सभी 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर की जाना, रेस्ट सब्जेक्ट का आंसर की जानने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।